अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे दोस्त हैं वहीद खान साहब, उन्होंने जी हमें बुलाया है कि उन्होंने दो जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं और एक चुहावा है उनके पास। तो वो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि जी आके हमारे घर में वीडियो बनाएं, तो हम लोग अब उनकी तरफ चलते हैं। चलो हाँ जी, तो यार हम लोग आ गए उनके। कौन सा घर है सर भाई? यार ये वाला घर है उनका। तो हाँ जी, चलो आ जाए। इनसे यार हमें कह रहे थे तो मैंने कहा चले जाते हैं, बहुत टाइम हो गया। मैं उन्हें आजकल कह रहा था, आज हम आ ही गए तो अभी मिलते हैं उनको। हमने कॉल कर दिया है, चले आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ओके, तो यार हम लोग आ गए फाइनली। हम ये देखना कैसे कर रहे हैं आपके साथ गए, और देखें जी ये डॉग मुझसे बड़ा वो हो रहा है। तो ये जी बड़ी भी है। कैसा रहा तुम्हारा शो है? तो जी हम लोग आ गए, ये तहसीन खान साहब है, इनके घर आए। वालेकुम सलाम। तो ये इन्होंने जी फीमेल ली है, क्या नाम है इसका? सूजो। तो जी ये सूजो है और ये जैक है, दोनों माशाल्लाह आज साथ में। ओए ओए, तो मेरे साथ ऐसे फ्री हो रहे हो जैसे मैंने तुम्हें पाला है। यार ये तो आपके डॉग तो मेरे साथ ही फ्री हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा है ना, देखें ये होता है पेट लवर, उनको पता चल गया ना पेट लवर। अब मतलब मैं नया आया हूँ इनके लिए, पहली दफा हूँ, लेकिन वो बड़े शौक से मिल रहे हैं। चले जी, आपके पेट माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। चलो भाई जैक, तुम भी कैसे हो? ठीक हो जैक जी? ये देखें जी, ये मेरे ही दोस्त बन गए हैं मुझे लगता है। तो वो अटैच हो गया तुम्हारे साथ। तो यार खान साहब, आपके डॉग तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही ज्यादा अटैच हो गए। ये देखें तो जी हम लोग अब इनके बैक वाले लॉन में चलते हैं वहां। चलो जैक आ जाओ। यार ये तो भाई ऐसे कमाल हो गया, आपके डॉग तो हमारे साथ बड़े आपके साथ अटैच हो गए ज्यादा। तो यार आ जाओ ना जैक, आ जाओ जैक। तो आई थिंक आपका जैक बहुत कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया जैक। गुड बॉय। यार ये आपने बीच भी अच्छी ली है, प्यारी ली है। जैक तुम तो भाई मेरे साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम्हें पाला ही। हाँ, आपने पाला इसको। ऐसे है कि वो फ्रेंडली डॉग। हाँ यार ये बड़े फ्रेंडली है। क्योंकि तो पहले हम लोग आ गए इनके बैक लॉन में। डॉग होते हैं ग्रेसी, ये तो फ्रेंडली है। आपके पास एक ग्रे पैरेट भी तो है? हाँ जी वो मैं ले आता हूँ। चलो उसको भी ले आए। तो हम जब तक इनके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपना ग्रे पैरेट। चलो यार ये देखो, तुम ना इन दोनों के साथ मेरी इधर आओ। ओह माय गॉड, क्या हो गया भाई? इसके लगता कान में दर्द होता है। तो यार इसके ना कान में था दर्द, हमें पता नहीं था, हमने कान को हाथ लगा दिया तो वो जी जरा गुस्से हो रहा था। तो जी ये देखें जी, ये तो लगता है कि मुझे आ जाओ इधर आओ। रुक जाओ आप, मैं इनको यहाँ बुलाता हूँ। इधर आओ जैक। हाँ जी क्या बात है? चलो बस भाई कमाल ये तो आपके साथ अटैच हो गया ये डॉग। यार आज इन्होंने मेरे साथ प्रैंक कर दी है, ये देख लें आप इनको, ये इन्होंने ना मेरे साथ प्रैंक कर दी है। मैं मतलब जैक से तो पहले एक दफा मिला हूँ, लेकिन इससे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। और वो आज लगता है, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसे गोद में मैंने ही पाला हो। तो ये कहाँ हो गया भाई? तू तो वाकई तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बच्चा है।
तो यार ये देखें जी, ये वैसे हमारे चीची की संतान है, तो हमारे चीची का बेटा है, लेकिन ये देखें जी इसको मुझ पे कितना प्यार आ रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। यहाँ तो भाई आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि मैं पेट लवर हूँ। देखिए तो किसी और के डॉग हैं, लेकिन उनका मेरे साथ प्यार देख लें आप, आपको अब मजा ही आ गया होगा कि ये डॉग, वो देखो यार ये तो कमाल, मेरे ऊपर चढ़ रहा है यार, इसने तो कमाल कर दिया। इधर देखो जरा, मेरे साथ अटैच हो गया, देख ना इधर यार, ये इसको मैं फिर छोड़ता हूँ, आप दिखाओ कैसे ये ऊपर आके, ये देखो चलो भाई चलो, तुम मेरी गोद में ही रहो, कोई मसला नहीं है यार। ये ना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इधर तो मुंह करो, क्या शर्माते भी हो हैं, शर्मा भी रहा है, ये देखें जी, ये देखें शर्मा, क्या हो गया चीची, चीची बोल रहा है, चीची नहीं, सॉरी इसका नाम तो कुछ और है, तो मैं इसको, चीची का बेटा है यार ये हमारा, जो बड़ा चीची था ना उसका बेटा है, तो माशाल्लाह है, तो बुला पाला शुकलूश है हमारे चीची का बेटा। तो जी ये देखें जी, ये आज हमारे साथ है, बड्डी इसका नाम है, याद आ गया यार, बड्डी इसका नाम है, तो बड्डी भी हमारे साथ है, ये देखो वो गुस्सा कर रहा है यार, वो कह रहा है कोई और ना आए, ये देखो बड्डी गुस्सा कर रहा है, वो कह रहा है किसी और को प्यार नहीं करना। तो यार बड्डी अब तुम थोड़ा सा वेट कर लो, बस कर दो, कुछ रहम करो, तुमने तो कसम खाई है कि मेरे साथ ही तुम फिर आ गया, ओए जैक बस कर दो यार, ये आपके डॉग तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे लिए ये सबसे ज्यादा उदास थे, तो चलो यार अच्छा है, पेट्स हैं ये, तो बड्डी तो मुझे छोड़ ही नहीं यार, अब ना थोड़ा सा रेस्ट करने दो, हमें छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता यार, वो देखो ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरे करीब ना आए, देखें जी ये उसकी जैसे वो ना सोच रहे हैं कि मेरे करीब ना आए, तो इसलिए ना जी वो ना उसके साथ बड़े से लड़ पड़ा है यार, तेरे प्यार की तो इंतहा है भाई मेरे साथ, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि तुझे मुझसे इतना प्यार है। तो यार ये इसने ट्रॉफी भी जीती हुई है, ये देखें जी ये इसकी बड्डी की ट्रॉफी है, और ये इसका कार्ड है, इसने डॉग शो विन किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन है जी, तो बड्डी ने जी फर्स्ट पोजीशन भी ली हुई है, और आपने देखा है यार इसने तो वाकई प्यार की इंतहा कर दी है यार, तुझे मेरा बच्चा, तुझे मैं अब क्या कहूँ, तेरे लिए मेरे बहुत सारे प्यार हैं, क्योंकि अब तू जरा थोड़ा सा हम लोग पैरेट से मिलना है। हाँ। यार उसको आप यहाँ ले आते हो या वहीं आ जाए, हाँ जी हाँ जी ले आओ, यहाँ हम लोग इनके साथ खेल रहे हैं, वो तहसीन खान जो है वो ग्रे पैरेट को लेने के लिए गए हुए हैं, तो हमने सोचा कि तब तक चलो इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आ जाओ बच्चों आ जाओ, तुम लोगों को लगता है तुम लोग प्यार के बहुत ही प्यासे हो, हैं तुम लोगों को किसी ने किसी ने प्यार नहीं किया, इधर आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम आ जाओ आ जाओ यार, इनको लगता है बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, तो ये जी इनको देखो कितना मजे के हैं ये, तो बस भाई बस अब मुंह पे नहीं चूमना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं फ्रैंक होना, तो यार ये ना आप इधर बैठ जाओ, ए वो चाट रही है आपको ये तो बहुत ही ज्यादा, ओए बस कर दे भाई बस कर दे यार, ये बैठ जाओ सेट यार, ये ना बस देख लें कि ये अब पता नहीं क्या चाहते हैं ये यार, मुझे नहीं छोड़ रहे, मुझे लग रहा है मुझे इनसे छुपना पड़ेगा, बस कर दो यार, क्या हो गया तुम लोग, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा आज सारा प्यार ही मुझसे लेकर, अस्सलाम वालेकुम बीसम, कैसे हैं आप, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आपके डॉग तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये जी खान साहब के बेटे हैं छोटे वाले, मीसम नाम है इनका, तो मीसम आपके डॉग तो बड़े शरारती हो गए हैं, अब आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में, गुड अच्छा जबरदस्त, तो मीसम तो जी ये आ गया जी ग्रे पैरेट,
कैसे हो जी आप? ठीक हो यार? ये इनका ग्रे पैरेट है, माशाल्लाह बहुत बोलता है। तो इसको कितना टाइम हो गया तासीन आपके पास? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल से जी ये इनके पास है। तो लिया था मेरे ख्याल से, मैं 8-1 साल का हो गई है। अच्छा, तो मैं जी इनके घर आया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा था ये बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। अभी यहाँ तो खामोश बैठा हुआ है, हाथ पे नहीं बोलता ये? नहीं, हाथ पे नहीं बोलता। अच्छा, यहाँ जी ये शरीफ बन के बैठा हुआ है, लेकिन इसको देखो यार, वो उसको ना जेल सी फील हो रही है कि ये कह रहा है कि किसी और को मैं प्यार ना करूँ। तो ग्रे पैरेट, इसका आपने कोई नाम भी रखा होगा? सॉरी, आइंस्टाइन। वाह जी आइंस्टाइन, कैसे हो आप? हेलो, कुछ बोलना पसंद करोगे? कुछ बोलना पसंद करोगे आप? चलो जी, हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। तो जी ये है इनका हाल, तो ये हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करते। तो यार ये बड्डी जो है ये गुस्से में आ रहा है। ये लें जी खान साहब, इसको आप रखें जी ग्रे पैरेट के साथ। देखें जी हमारा, वाह जी वाह, इसको तो प्यार भी कर सकते हैं। ये जी हमारा ग्रे पैरेट जो है खान साहब का, ये बहुत क्यूट है। वैसे मैंने भी ले लिया है। ले लिया आपने? हाँ जी, मेरे पास भी है, तो वो भी अच्छा बोलता है। तो जी ये अब हम लोग जी यहाँ आए, हमें बड़ा मज़ा आया। खान साहब आपने पेट्स के साथ टाइम मुझे लगता है कम गुजारते हैं। अच्छा, तो प्यार के लिए ना? अच्छा अच्छा, प्यार के लिए शदीद तरसे हुए हैं आपका चीची, तो मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर ऐसे फिदा हुआ हुआ है कि वो मुझे लगता है कि जैसे उसे बहुत ही प्यार की जरूरत है। चीची सॉरी बड्डी, बड्डी एक्चुअली ना हमारा चीची है, तो मुझे नाम भूल जाता है। बड्डी यार आप पे तो गुस्सा कर रहे हैं, करता है ये हर भी हर किसी पे करता है। बड्डी तुम इतने बदमिजाज क्यों हो? चौबा ऐसे ही होते हैं यार, मेरे साथ तो ये अच्छा सलूक कर रहा है, पता नहीं आपके साथ। बस भाई बस। अच्छा जी, तो ये अब इसके लिए आपने अभी तक फीमेल नहीं ली, क्योंकि इसकी भी मुझे लगता है आपको इसका पेयर बनाना चाहिए यार, बहुत टाइम हो गया है, तो उसका पेयर बनाए ताकि इसकी कोई ब्रीड हो। क्योंकि ये जो छोटे डॉग्स होते हैं ना, चुहावा चुहावा, इनकी 8 से 9 ईयर मैक्सिमम इनकी एज होती है, तो आप इसके लिए ना ब्रीड करवाएं ताकि बच्चे इनके आए और आपके पास कोई इसका वारिस हो। तो यार ये माशाल्लाह बड़े अच्छे इनके डॉग हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा इनकी तरफ आके। तो जी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यार। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपने देख के बताना है, ठीक है? खान साहब आप तो मेरा ख्याल हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, आपको है, कैसी लगी? अच्छा, ये तो आप जी हमारी वीडियो देखते रहते हैं और इन्होंने हमें बुलाया भी सही कि आप आए हमारे साथ भी वीडियो बनाए, तो हम लोग आ गए। इनके पेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और ये खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छे पेट लवर हैं, अपने पेट्स की बहुत केयर करते हैं, वो आपको इसकी सेहत से नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो जी ये भी मतलब माशाल्लाह इनका पैरेट भी ज़बरदस्त है, तो टीम भी है फुल टाइम। तो बाकी ये है कि जी हमारी वीडियोज़ को देखते रहा करें। मीसम आप भी इधर आओ, आप अब हमारी वीडियो देखा करोगे ना, आज आपकी भी वीडियो आनी है यूट्यूब पे। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं नहीं देखता होता। अच्छा अच्छा, बाबा के मोबाइल, जाहिर ही बात है आपके पास तो अभी मोबाइल ही नहीं है। तो जी मीसम भी आज से हमारे वीडियो डेली देखा करेंगे बाबा के मोबाइल लेके, ठीक है ना? तो जी आज का हमारा ये व्लॉग यहीं तक ही था। हम लोग आए खान साहब के घर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अभी हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो जी हमारी वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।